ये बन रही है सभा की चाय। पता नहीं कौन कौन सी चाय पीती है। आ गया पाकिस्तानी मैंगो, ये तुम्हारा जूस। ये मुझे तो मिलता तोता परी, बहुत मिल जाता है ये वाला। ये इतना आइटम तो है, ये भी देख लेता हूँ ना। ये भाई अपना बांग्लादेशी है भाई, सऊदी में काम करता है माशाल्लाह मदीना में। नाम क्या भाई? इलियास। इलियास भाई, इलियास भाई। फ्रेंड्स अभी हम ये वाला होटल जो है खाली कर रहे हैं, बस मुझे ये होटल बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी देते, ये तो मेरे यहाँ ठीक है, कुछ छोड़ा तो नहीं। मुंह को नहीं दिया, नहीं दिया अल्लाह। खलास खलास। उनमें भी यानी आपको तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जो कि हरम से एकदम करीब है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये है हमारा होटल जिसका नाम है जमजम पुलमैन। अभी हम निशान कर लिया अपना होटल। हाँ, तो हैं जमजम पे, तो इंशाल्लाह जाएंगे नमाज पढ़ने सर की, क्योंकि टाइम नहीं हो रहा है। रूम थोड़े अलग अलग मिले लेकिन बस अलग अलग बुलाया था तो हम लोग आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, सच में अभी यकीन नहीं हो रहा है। मतलब मैं पानी से मुंह भी धोती तो मैंने कहा मदीने का पानी आ जा हमारे ऊपर माशाल्लाह। देखो आज इतनी उम्र लोग कर रहे हैं, इतने लोग उम्र कर रहे हैं इस टाइम पे। ये सेवन फ्लोर पे भी है, कोई खराब हाथ नहीं है। अभी तो जो टाइम है जो नमाज, उस होटल में तो जो नमाज थी भी माशाल्लाह, ये जगह सही है तो माशाल्लाह। यहाँ मदीने की जो नमाज, देखिए रूम में सारी चीजें बताई होती है कि उस साइड एरो है तो हमें उस तरफ का। हाँ। अब जाओ बाबा के पास, फिर हम पढ़ के चलते हैं। चले फ्रेंड्स, चप्पल पहन के चलो, सनी कह रहा है वहाँ पे। सनी कह रहे हैं बस अब हम रेडी हो गए हैं, सब अभी रेडी हो गए, अब हम मम्मी पापा के रूम की तरफ जा रहे हैं, उनको ले लेते हैं और फिर निकलते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके थे फ्रेंड्स हुजूर के रोजे के पास, और जब हमारी नजर पड़ी ना तो हम आपको बता नहीं सकते, वो जो फीलिंग होती है ना वो कोई भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता है। उस वक्त आपको दुनिया की हर एक खुशी मिल जाती है, और हमें तो इस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमने कब से ये सपना देखा था वो पूरा हो गया है। सुकून भी मिल रहा था, खुशी भी मिल रही थी, हंसने का भी मन हो रहा था, इमोशनल भी फील हो रहा था। मतलब जिंदगी में आप क्या हो क्या नहीं हो उस वक्त आपको कुछ नहीं ध्यान रहता, बस आपको लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया। बहुत दूर है, बहुत हाँ, दूर चल के आना पड़ता है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट किया था। हाँ। और ना ही अभी कुछ खाया था, तो अभी वहाँ पे बैठ के थोड़े दुआ करके हम वहाँ पर बैठा के, और वो फीलिंग ही बहुत अलग थी। ये ऑरेंज कलर का भुट्टा आता है, भुट्टा है और वो क्या मुझे क्या लगा जर्दा है, वो जर्दा जर्दा नहीं है, भुट्टे को ही तोड़ दिया उन्होंने, चावल है वो। तो कबूतर अपना खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी होती ना तो बहुत खुश होती इन्हें देख के, अम्मी को भी लेके आना इंशाल्लाह, अम्मी को हिम्मत दे। तो हमें बड़ी मुश्किल में यहाँ पे जगह मिल गई है, हम यहाँ पे आज सऊदी का खाना खा रहे हैं। अर्जी दे दी, अर्जी दे दी, मतलब बता दी ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर दे दिया, अर्जी दे दी। वाह मिक्स वेज मुशक्कल, और ये रोटी। फ्रेंड्स रोटी कितनी बड़ी है, बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इंडिया जैसी सब्जी है, कितना बड़ा टिश्यू रोल। फ्रेंड्स जेंट्स लोगों को वहाँ पे शायद नमाज पढ़ने जाना है, और लेडीज का अलग है। सनी हमें दिखाने जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी जगह, समझ ही नहीं आता कहाँ जाए। ये मस्जिद है, असर की नमाज का वक्त होने वाला है, और सब लोग बाहर नमाज पढ़ रही है, हम लोग अलग नमाज पढ़ रहे हैं। मदीने के खजूर, मदीने की कॉफी, अरेबिक टी है या कॉफी है एग्जैक्ट नहीं पता। सनी ने कुछ ऑर्डर की थी, सनी ने कहा ये ट्राई करो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक्चुअली चाय नहीं मिल रही थी, मगरिब की नमाज हो गई है, ये खाएंगे उसके बाद चलेंगे वहाँ पे हरम में, फिर वहाँ ईशा पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड कैसे हो आप सब, हम जा रहे हैं ईशा की नमाज पढ़ने। हाँ।
और मम्मी पापा लोग वहीं पे है ना, अभी सबा कुछ काम था उसकी मैं होटल लेके आ गया था। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, सुबह से ढूंढ रही है वो अभी प्रॉपर वाला नहीं मिला नीचे तक, ये वाला मिला दिखा दो तो बहुत अच्छा लेकिन हम लग बहुत प्यारी है इसमें। एक चीज कहूंगा भाई साहब, जब बंदी जब तक ढूंढ नहीं लिया उसको सुकून नहीं आया, कहीं दुकान में जा रही है उससे बोलिए ऐसे इस आराम में लड़ के कुछ कर रही है। वो अरबी बोलने वाले मुझे अरबी नहीं आती, मैं सोचू इंग्लिश में बोलूँ नहीं बोलूँ, वो भी टूटी फूटी क्या बोलूँ। अब सामने वाले को कभी कभी नहीं भी आती ना शॉपकीपर्स को, तो मैं कौन सी भाषा बोलूँ, मैं फोटो ढूंढ रही हूँ ऐसा बता रही हूँ इसको तरफ देख रही हूँ, फिर वो समझ गए फाइनली। लेकिन फाइनली मिल गया और खुश हो कितना है। चलो ठीक है, चलो ओके ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये करे बिना सभा, फिर सभा कैसे लगेगी जब तक ये ना करे। अभी तक सभा ने रात वाला व्यू नहीं देखा मंजर शरीफ वाला, मैं तो देख चुका हूँ लेकिन कितनी बार भी आप देख लो, मतलब जब आप आते हो ना वही फर्स्ट टाइम वाला फील होता है आपको। चश्मा लगा लो क्या, ये पूरा पंच रहा है। आई एम सेइंग वी विल कम लेटर। कितना सुकून वाली गलियां है सच में, इतनी खूबसूरती, इतना सुकून, इतना आराम दिल को। अभी मैं जमजम का पानी पी रही हूँ जो कि अल्लाह की तरफ से बहुत ही अच्छा पानी है और हमारी अंदर की हर बीमारी को ख़त्म करता है, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हमसे मिलते जा रहे थे। माशाल्लाह देखिए ये जो औरतें जा रही है ना सभी, ये रियादुल जन्नत में जा रही है, इस वक्त को शायद औरतों के लिए ही रखा गया है, और ये सबा और अम्मा यहाँ पे नमाज पढ़ रही हैं बैठे। खाना लेने के लिए रोमांसिया क्या है वहाँ पे, राइस मिलेगा और चिकन वैसे मुर्गी, मतलब होटल का नाम है रोमांसिया, उसका नाम रोमांसिया ही है, फेमस है मामा मैंगो। तब हम आ गए रोमांसिया और खाना कराएंगे पैक और फिर जाएंगे होटल। तो रोमांसिया एक ब्रांड है? हाँ खुद का ब्रांड भैया वो रोमांसिया, जैसे मतलब मैकडी है। हाँ हाँ जैसे मैकडी है और तुम्हारा KFC है। हम लोग रोमांसिया के अंदर आ गए, काफी बड़ी जगह में बना है, ऊपर बैठ के खाने के लिए, नीचे टेक अवे के लिए है। फिर हमने डिसाइड किया तो बेसिकली इनके चावल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब आपको अलग से राइस देंगे और साथ में उनके अलग अलग तरह के चिकन है जो आपको देंगे, यहाँ पे वो बनाते हैं, और यहाँ पे जूस का कॉर्नर भी था। चलो बारिश आ रही है, बारिश जल्दी चलो, बारिश आ रही है, मदीने की बारिश अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अरे जी मत आ रही थी अब्दुल रहमान, माशाल्लाह हल्की की बारिश भी हो रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर हम यहाँ से दूसरे रेस्टोरेंट आए जो कि इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होगा, वहाँ से देसी खाना लेना था अम्मा और पापा के लिए। कर लें बस खाना लेके आ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 10:10 हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये है मदीने की सुबह का नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब, सभा के जहां में आपका स्वागत है। और आज है 4 तारीख, सॉरी वो एक्चुअली क्या ना वो गलती से मैंने 4 निकल गया, 5 तारीख और सब आ गई है, अब तक चाय नहीं पी। चलो तुम्हें यहाँ चाय पिलाते हैं, चलो आज पिला। चाय मिल गई, मोहब्बत देखिए भाई जी ने, हम लोग चाय पी रहे हैं, आप तो नाश्ता ला रही है। तो यहाँ पे जो रोटी आना है ऐसे किराने की शॉप पे मिलती हैं, तो हमने रोटी ले ली अम्मा पापा के लिए और अभी चलते हैं उनके रूम में। बड़ा सुकून है यहाँ पे, रोड के किनारे बैठ के भी ऐसा लग रहा है कोई हाइपर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स ये जन्नतुल बकी है, यहाँ पे औरतों का जाना मना है। सनी आप सबके लिए क्लिप बना के लाया है, यहाँ पे हुजूर पाक की बेटी, हुजूर पाक के नवासे और हुजूर पाक के फैमिली के लोग और उनके फ्रेंड्स सारे लोग आराम फरमा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे मदीने में लास्ट डे है, कल में निकलना है, चलो हम चलते जाते हैं और बात भी करते जाते हैं। तो आज सनी ने सोचा कि आज वो हमको लेके चलता है ज़ियारत कराने, क्योंकि हमें यहाँ पे भी पता चले कि क्या है कैसा है। मैंने बाया अपना जो सिलाया था जमीर भाई से वो पहना, ये यही चीज़ तो चाहिए थी मुझे, यही चीज़ तो चाहिए थी, एक बार गोल जरूर घूमती। हाँ खजूर लेंगे, बाद में ले लेंगे खजूर आके। कहाँ से हैं आप भाई, पाकिस्तान से? पंजाब से। पंजाब से हैं, जिधर जिधर जाऊंगा ना आपको गाइड कर देता हूँ जी इंशाल्लाह। ये वाला तुर्की मस्जिद है उल्टे हाथ पे, जो दौरे उस्मानिया जो दौर आया था ना, जी जी सल्तनत उस्मानिया, जी जी सल्तनत जी जी
ये वाला कुआं है इमाम जैन अलाबद्दीन। करबला से आए थे जब वो पहली बार मदीना, तभी ये घर था उनका, ये कुआं था, ये घर था, ये पूरा, ये आज भी वैसे बना रखा है। देखो जमाने मस्जिद था इनका, ये मस्जिद थी इनकी। मकान छोटी नजर आ रहा है ना, ज्यादा सुराखों वाला। अच्छा सलम का इधर इस्तकबाल हुआ था जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे ना, ये दरखत के साथ जाली लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये पेड़ जी, जी इसको बोलते हैं ताला अल बद्र अलाइना। इस्तकबाल हुआ था हुजूर, इस्तकबाल हुआ था। समझने वालों को बहुत बात है, जो ना समझेगा कहानी है। सही बात, यहाँ पहला खुतबा दिया था वो, सामने कूबा है, यहाँ पहला खुतबा दिया था। मस्जिद जुमा, मस्जिद जुमा फर्स्ट मस्जिद, सेकंड मस्जिद मस्जिद नबी। अच्छा ये पहली बार। आसलम जब मक्का से मदीना आए थे ना जी, तो आसलम ने 10 साल गुजारे हैं मदीना में, तो ये पहला मस्जिद बनाया था और यही नीचे से रास्ता मक्का में जा रहा है। उधर इस्तकबाल हुआ और उधर से फिर इधर आए, इसको बोलते हैं ज़ियारत जिसका पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए मस्जिद कूबा, अब इंशाल्लाह यहाँ दो रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। यहाँ दो रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? एक उम्र के बराबर है। और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद बनवाई थी। दिखाते हैं, अंदर भी दिखाते हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद कूबा पहुंच गए और सबा और अम्मी गई है वजू करने, पापा भी गए हैं वजू करने, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आएंगी फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग नमाज पढ़ने। तो हम लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कूबा के अंदर, और माशाल्लाह देख कितनी प्यारी मस्जिद बनाई है भाई। बस मैं दो रकात नमाज नफिल पढ़ूंगा, बिल्कुल करीब जाके नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा माशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नमाज पढ़ ली है, मस्जिद कूबा में नमाज पढ़ ली है। ये दुआ है कि आप सबको भी अल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाए। अभी हमने एक ज्यारत जो है वो कर ली है, बाकी ने हमने मुकम्मल कर लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मेरी सच में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको ये मौका दे और सब यहाँ पे आए। और सबसे ज्यादा जो मुझे दुआओं की रिक्वेस्ट आई है कि हमें औलाद दे दे, मैं हर जगह यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद से नवाजे। हमारे लिए भी आप सब दुआ करें जी। वो वाला मस्जिद आ रहा है नजर जी, आसलम का मस्जिद है। अच्छा, वो नीचे सामने नजर आ रहा है फारसी। अभी हम आ गए हैं सबा मस्जिद, जिसे द सेवन मॉस्क कहते हैं। यहाँ पे एक जगह पे सेवन मस्जिद बनी हुई है, ऊपर ऊपर आपको सब दिख रही होंगी। और यहाँ पे गजवाए खंदक की भी मस्जिद है, जहाँ पे जाके हमें दो रकात नफिल पढ़नी है। ये है वेमेन प्रेयर एरिया, यहाँ पे हम अपने शूज रखते हैं और अंदर चलिए नमाज पढ़ते हैं। खंदक की मस्जिद है माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये कुरान रखने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, कितना प्यारा बनाया है ये। ये चीज़ बड़ी प्यारी होती है कि मस्जिदों में मतलब पानी हर जगह मिलेगा आपको, पानी का जो गजवाए खंदक मस्जिद का जो सहन बना हुआ है, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। देखिए उमर बिन खत्ताब, बड़ी पुरानी मस्जिद है। तो यहाँ की भी ज़ियारत हो गई, यहाँ पे भी दो रकात नफिल हो गई है, बहुत सुकून की जगह। अभी हम आ गए हैं मस्जिद अल किबलतैन, मतलब दो किबलों वाली मस्जिद, यहाँ पे भी हमें दो रकात नफिल पढ़नी है। हम आ गए हैं मस्जिद किबलतैन, माशाल्लाह मस्जिद किबलतैन ही है। चश्मा स्टाइल के लिए नहीं लगाया फ्रेंड्स, बहुत तेज धूप रहती है, आंखें नहीं खुलती हैं, इसलिए नमाज है ना जी, वो कोशिश करो मस्जिद नबी में जी, 50,000 नमाज का सवाब है। ये पहाड़ जन्नत का है, जन्नत का पहाड़। क्या नाम इसका? ओहद। अच्छा पहाड़ और इधर आसलम के चाचा शहीद हुए थे अमीर हमजा, बाकी 70 सहाबा इधर शहीद हुए थे ना। आसलम इस पहाड़ से बहुत मोहब्बत करते थे और ये पहाड़ भी करता था और हम लोग भी करते हैं। और ये जो ऊपर ये दिख रहा है, ये जो छोटा पहाड़ है इसके ऊपर जंग हुआ था। अच्छा, इसके ऊपर जाना गुनाह है। अच्छा जी, क्यों गुनाह है? सहाबा का ऊपर खून डुला है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सवाब लेने जा रहे हैं, उल्टा गुनाह लेके वापस आ जाए, पता ना हो तो फिर तो कोई मसला नहीं। लोग जा रहे हैं पहाड़ी पे, जंग यहाँ से स्टार्ट होती है, सामने से जो पहाड़ दिया है। और यहाँ पे 70 सहाबा शहीद हुए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा की कब्र मुबारक है और एक किसी सहाबा की भी है।
बाकी सारे सहाबा जो 70 सहाबा शहीद हुए थे वो सब इसी के अंदर इस ग्राउंड के अंदर। ये पहाड़ सामने दिख रहा है, जंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सामने पहाड़ दिख रहा है। कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ पे जिसको सदके के लिए पानी तकसीम कराना है तो आप इनको पैसे दे दो और ये लोग सारे लोगों को पानी बांट देते हैं, तो आपको एक सवाब भी मिल जाता है। ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, अब हम आ गए हैं खजूर के बाग में। यहाँ पे खजूर मिलते हैं, खजूर ले लेते हैं यहाँ से, मदीने के फ्रेश बाग के खजूर। मतलब मैं इतनी सारी लिया सोती हूँ, मुझे ये नहीं पता था यहाँ मिलता है। ये अच्छा। भाई लेके आए, ये कौन से खजूर है? अजीवा अजीवा खजूर, ये चीज होती है ना। तुम दिखाओ। हाँ। कैसे मम्मी? ये अंबर खजूर है, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं टेस्ट में। तो वैसे तो हमने अजवा लिए हैं, लेकिन थोड़े बहुत हमने अंबर खजूर भी लिए हैं। तो हमने यहाँ से लिए लिए खजूर सबके लिए, अजवा, और अब चलते कहाँ से लेंगे? अब नमाज पढ़े ना। हाँ। रोड पीछे आ रहा है ना जी, इसको बोलते हैं अय्यून। अच्छा जी, चलो खाना खाने चलो। अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, मुझे बाहर। बहुत शुक्रिया आपका। जा रहे हैं हरम शरीफ के पास, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मगरिब की नमाज। अब आपको ले लेते हैं पिक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मदीने की बारिश मिल गई। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, रहमत की बारिश, रहमत की बारिश। बड़े वाले में ना। अच्छा, माशाल्लाह बारिश हो रही है, बारिश। इशा की नमाज हो गई है और आज यहाँ पे हमारी आखिरी रात है मदीने में। बहुत याद आएगी हमें इस जगह की, बड़ा अच्छा लगा। उनका जाएंगे मक्का के लिए, तो बस आज हमारा आखिरी दिन है, जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी जाना पड़ेगा। इस वक्त 9:15 बज चुका है, यहाँ का इंडिया का पता नहीं कितना बज रहा होगा, बारह कुछ। तो हमारा सब नमाज हर चीज हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं आराम लेने और कुछ खाने का लेने। वैसे दिन में आज बहुत खाया था, इतनी भूख नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऑरेंज जूस पीने का मन कर रहा है। यहाँ पे ना मुझे ऑरेंज जूस बहुत अच्छा लगने लग रहा है। रात में मदीना कितना खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, बहुत याद आएगा मदीना इंशाल्लाह, फिर से आएंगे। यहाँ पे हरम के पास ही देखिए कितनी सारी शॉप्स है, हर चीज की, अबाया की, तस्बीह, आराम, सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप इंडिया से नहीं कुछ लेके आ पाए तो आप यहाँ से भी आराम से ले सकते हैं, और अगर आप वहाँ से कैरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे जरूरत होती है, जनावाज होनी चाहिए, तस्बीह होनी चाहिए ना। हाँ। ये दो चीजें तो होनी होनी चाहिए। शॉर्मा बन रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सारा, और यहाँ पे जूसेस भी मिल रहे हैं, हम पियेंगे ऑरेंज जूस, और ये हमारा जूस आ चुका है। बहुत अच्छा लगता है ऑरेंज जूस फ्रेंड्स, खट्टा लगता है, जो एकदम फ्रेश होता है ना, उसमें शुगर नहीं डालते, लेकिन अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ अच्छा जा रहा है। विटामिन सी जा रहा है, चलो स्टार्ट करो विटामिन सी। आपने उल्टा डाला है? चलेगा फ्रेंड्स, देखो उल्टा स्ट्रॉ डाल दिया। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सामने मस्जिद नबी है और यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स है और होटल्स ही होटल्स है सारे।
तो आज हम डिनर में कर रहे हैं अलबेक का, सऊदी का फेमस अलबेक का ब्रोस्ट। अलबेक का ब्रोस्ट आज हम खाएंगे डिनर में। सनी ये खाते रहते थे, हमने पहली बार आज हम ट्राई करेंगे। सनी खाता रहता था। ठीक है, तो हम आ गए मम्मी पापा के रूम में, हम लोग करेंगे यहाँ पे डिनर। होटल देखो, बड़ा छोटा चेंज मुश्किल नहीं। क्या होटल जाओ, बड़ा छोटा चेंज मुश्किल नहीं। अच्छा, कब तक खुला है? साकम हमारे यहाँ सात नाश इतना 12 बजे तक। हाँ, आप कहाँ से? यमन। यमन 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 से फिलिस्तीनी अब आया से। हेलो फिलिस्तीनी, हम पकड़े। थैंक यू। सब कुछ ले लिया है फ्रेंड्स, थक गए। पैदल पैदल यहाँ बहुत चलना होता है, अच्छा भी लगता है क्योंकि इतनी रौनकें हैं कि टैक्सी में बंद होकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं देख पाओगे, और आसपास टैक्सी का ज़्यादा पता भी नहीं चलता। अगर आप कॉन्टैक्ट्स बना लो यहाँ पे, सामने बहुत सारे ऐसे होते हैं टैक्सी वाले भैया जो मिल जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल करना कोई मतलब नहीं है। पैदल चल चल के जाओ, खाना ले लो, सामान ले लो। हर एक होटल के नीचे देखिए शॉप्स हैं। ये हमारा होटल है, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे सामने हरम शरीफ है, यहाँ पे अलग अलग होटल्स हैं, शॉप्स हैं, और यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। थक गए। थोड़ी देर बाद रूम में चलेंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे हम यहाँ से। तो उसकी तैयारी करनी है, पैकिंग वैकिंग जो हमने पूरा रूम में मचा रखी है। कुछ नहीं बताया।